फ्रेंड्स, मैं प्रखर, तो आपका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। तो वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आम ऐसे 99% लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको पीजी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मेरी आवाज़ हो सकता है अभी मतलब थोड़ी लो आ रही हो क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो रही है, मतलब फीवर टाइप का थोड़ा। खैर एनीवे, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। मैंने जो मेरी रैम थी XPG की D30, वो ख़राब हो गई चल रहा, मतलब वो बूट ही नहीं करा रही थी पीसी। फिर मैंने उसको RMA के लिए भेजा। तो मतलब RMA का प्रोसेस क्या था और मतलब कितने दिन लगा RMA में और मतलब कैसी सर्विस है ये कंपनी की? तो फर्स्टली तो जिस कंपनी को मैंने रैम भेजी थी RMA के लिए वो एक्रो थी। एक्रो बहुत सी कंपनीज के लिए RMA करते, जैसे रेजर हो गया और अपना एंट ऑडियो हो गया, एंटी स्पोर्ट्स का आता है कुछ। और जो इसके जो जैसे ये रेजर है एंटी स्पोर्ट्स के जो ऑडियो वाले आते हैं इनकी साइड इनकी अलग है एक्रो RMA। और जो रैम के लिए साइट है वो है एक्रो केयर। तो मैंने एक्रो केयर पे कंप्लेंट डाली थी इसकी। अब मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि मैंने कैसे मतलब वो कंप्लेंट डाली, क्या क्या प्रोसेस था और इनका कैसा रिस्पॉन्स रहा। सो अब आप वीडियो देख लीजिए। ओके, सो ये स्क्रीन है। तो फर्स्टली अगर आपको अपनी रैम RMA करानी है XPG की, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्रो केयर। अब जैसे जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लीजिए रेड गियर हो गया और वो क्या नाम है उसका, रेजर हो गया, उसके लिए आपको एक्रो RMA पे जाना पड़ेगा। तो ये रही एक्रो केयर पहली साइट, XPG के लिए है खाली है। इसको खोलेंगे। अब अगर बाय चांस आपकी एक्रो RMA पे ID बनी है तो वो ID इसमें नहीं चलेगी, इसमें आपको नई ID बनानी पड़ेगी यहाँ कस्टमर साइनअप पे जाकर। और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिट करनी है, जैसे कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल वगैरह ये सब। मेरी ID बनी है तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ इसको सिंपली। तो जब आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाए, यहाँ पे आपको क्रिएट क्लेम करना है और यहाँ पे आपकी डिटेल्स अगर आ जाएंगी, आपको कुछ मतलब चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो आपका रैम ब्रांड सेलेक्ट करना है जो XPG है। फिर प्रोडक्ट कैटेगरी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए XPG करी मैंने, यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी खुल जा भाई, नेट बहुत स्लो चल रहा है यार। यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पे अगर आपको रैम नहीं मिलती है बाई चांस तो आप एक्सेसरीज पे जा सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट मॉडल सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट मॉडल मतलब आपकी कौन सी DDR टाइप है। तो मेरी DDR4 है तो मैं DDR4 कर रहा हूँ। पार्ट नंबर में आपको जो रैम के पीछे सीरियल नंबर लिखा होता है ना, आपको वो डालना। मैं इसमें कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये डाटा की D60 कर ली। सीरियल नंबर में रैम के पीछे एक नंबर लिखा होता है लंबा चौड़ा सा, आपको वो डाल देना है। मैं इसमें कैसे ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। परचेस डेट भी आपको डालनी है और इसमें इनवॉइस डालनी है आपको। और फिज़िकल डैमेज आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं। अगर बाई चांस आपको फिज़िकल डैमेज हुआ तब भी नो ही सेलेक्ट करिएगा, वरना मोस्ट केसेस में ये लोग आपको वो क्लेम नहीं देंगे, RMA नहीं देंगे। और वारंटी में आपको विद इन वारंटी ही शो करना है, नहीं विद इन वारंटी मत शो करिएगा। आउट ऑफ वारंटी अगर आपकी हो गई तो आउट ऑफ वारंटी शो कर दीजिएगा, वरना विद इन वारंटी शो कर दीजिएगा। वैसे अभी रैम में 10 साल की वारंटी मिलती है। डिफेक्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा डिफेक्ट क्या था, पीस बूट फेलियर था मेरा। जैसे यहाँ पे आपको कुछ रैम की फ़ोटोज़ और वीडियो डालनी है, फिर यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो मैं अपना क्लेम दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने अभी तक स्टेटस ही नहीं चेंज किया है, वाह। इसमें अभी तक इनके पास यही स्टेटस पड़ा है कि हेड ऑफिस पहुंची रहा है मेरी।
तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो फर्स्टली तो जब आपकी वो क्या बोलते हैं रैम, आपका जो आरएम की कंप्लेंट है वो डल जाए, यहाँ पर आपको प्रिंट क्लेम को क्लेम जो है वो प्रिंट कर लेना है। और उसके बाद जब ये ट्रैकिंग लगाएं, या ये ट्रैकिंग लगाए आप खुद से भेजें, आपको ये जो क्लेम है ये बॉक्स के अंदर आपको रख के भेजनी है। मतलब आपका जो बॉक्स है जिसमें आप रैम भेज रहे हो उसके अंदर रैम रखनी है। ओके सो रैम है मेरी है गैमिक्स की D30। अब मैं इसको PC तो जो बॉक्स उसके अंदर आपको रैम रखनी है, इस क्लेम की कॉपी रखनी है, उस बॉक्स को अच्छे से पैक कर देना है। और फिर जो आपके ट्रैकिंग कोरियर मतलब जो कोरियर सर्विस होगी वो लोग आपको एक फॉर्म टाइप का भेजेंगे। मतलब जब आप लगाएंगे इसकी डिटेल्स वगैरह भर के, तो वो एक फॉर्म टाइप का भेजेंगे, वो आपको बॉक्स के ऊपर लगाना है। फिर जब ये रैम इनके पास पहुंच जाएगी तो ये आएगा फिजिकल एक्सेप्टेड बाय ऑफिस फ्रॉम कस्टमर, और फिर ये रैम थोड़े दिन बाद आपको चेंज करके भेज देंगे। ये क्या हो गया भैया? हेलो फ्रेंड्स, मैं बखा तो आपका स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। तो फ्रेम अगर थोड़ा अजीब आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि क्योंकि मैं अकेले वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ और कभी कभी कोई हेल्प कर देता है तो फ्रेम तब थोड़ा ज़्यादा बढ़िया आ जाता है। अभी उतना क्लियर फ्रेम जहाँ तक ना आ रहा हो। तो ये वीडियो है, मैंने अपनी रैम भेजी थी RM के लिए, XPG वाली D30 थी। और उसमें दिक्कत क्या थी कि वो PC बूट नहीं करा रही थी। अब मुझे लगता था कि अगर जैसे मैं 10th जनरेशन मेरा जो प्रोसेसर है उसमें मैं रैम XMP ऑन करता हूँ, इस वजह से नहीं चलती। बट नहीं, मैंने बिना XMP के भी ट्राई करी थी तो बिना XMP के भी नहीं चल रही थी। तो ये रैम वापस आ गई है एक्रो की तरफ से। तो अभी मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा, मतलब मैंने क्या क्या किया। तो फर्स्टली तो एक्रो की दो साइट्स हैं, एक एक्रो केयर और एक एक्रो RM। हो सकता है और भी हो, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए अभी मुझे नहीं पता। तो मैंने एक्रो केयर पे मतलब इसकी रिक्वेस्ट डाली और उनकी तरफ से बहुत मिनिमल रिस्पॉन्स आया मेरे मेरे पास। मतलब उन्होंने बहुत कम मैसेज किया, मैंने अपनी साइड से उन्हें मैसेज किया तब तो उन्होंने दो बार तो डिलीवरी लगाई, तब डिलीवरी सही हुई नहीं और मतलब डिलीवरी वो फेल हो गई। फिर तीसरी बार उन्होंने डिलीवरी मतलब जो शिपिंग कंपनी थी उन्होंने खुद ही से भेजे तो डिलीवरी सक्सेसफुल हो गई, उनका रैम पहुंच गई। और उन्होंने मुझे एक हफ्ते बाद रैम भेजी भी, मुझे कोई मैसेज नहीं किया कि मतलब आपको रैम भेज रहे हैं, मतलब ये सब है। तो रैम अभी मेरे पास वापस आ गई है, मैं इसको खोल चुका हूँ। वैसे तो इस बार इन्होंने रेड वाली भेजी है, नाम भी लिखा है मेरा इस पर। बाकी स्पेक्स सेम ही है, स्पेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक बार खोल के देखता हूँ, क्या पता कुछ अलग ही निकल जाए, रेड की जगह मिथाइल ऑरेंज निकल जाए। ओनली साइंस स्टूडेंट्स विल गेट दिस। तो ये रैम उसी पैकेजिंग में ही जैसे मैंने MD कंप्यूटर से खरीदी थी, कुछ डिफरेंस नहीं है। और बस इतना फर्क है इस बार इन्होंने रेड वाला वेरिएंट, अलग रेड वाला वेरिएंट तो पहले था, इस बार कतई रेड भेज दिया। पता नहीं इनका कुछ अलग रहता है बॉक्स का भी। वैसे ब्लैक वेरिएंट आते हैं, मैं तो सोचता था अगर ब्लैक वेरिएंट भेज देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि ब्लैक रैम ना किसी सेटअप के साथ चल जाती है, ब्लैक और वाइट। तो अभी मैं आपको इसको PC में लगा के दिखाता हूँ चल रही है कि नहीं। सो ये PC है मेरा, इसको खोलता हूँ अभी। मैंने रिप्लेसमेंट में एक रैम ले रखी थी, मतलब काम चलाने के लिए, तब तक काम क्या, अब तो परमानेंट ही हो गई है। क्योंकि मैंने ये PC अपनी लोकल मतलब जो PC शॉप है वहाँ पे दिखाया था, तो उन्होंने मुझे एक वो रैम दे दी थी एक्स्ट्रा में, पड़ी थी उनके पास। इसके लिए ग्राफिक कार्ड निकालना पड़ेगा, 1 मिनट।
ये रैम उन्होंने मुझे दी थी अडाटा की D50। तो मैं तब तक इसे चलाया था क्योंकि एक तो साइज भी लुक्स भी आ रहा था मेरी 16 GB, मतलब जो मेमोरी रिक्वायरमेंट थी वो मेरी कंप्लीट हो रही थी। तो अभी के लिए इसको बाहर निकाल के रखते हैं और लगाते हैं इसको। सिंपल तरीका है बहुत। आपको ये जो लैच है ये मदरबोर्ड के लैच से आपको मैच करके लगानी है। तो मैं लगा देता हूँ इसको। तो रैम मेरी लग गया, अब एक बार पीसी टेस्ट करके देखता हूँ। सो रैम मैंने लगा दिया है, मेरा मॉनिटर कुछ हिल गया इसलिए वजह से नीचे आ गया है, इसको भी दोबारा सेटअप करना पड़ेगा। तो पीसी ऑन करता हूँ। अगर मॉनिटर पर डिस्प्ले आ गई और इसके फैंस चल गए तो मतलब सही है, इसकी लाइट तो जल गई है, ARGB वाली चलाते हैं। आप जब कोई नया पीसी कंपोनेंट लगाते हैं तब फर्स्ट बूट में थोड़ा टाइम लेता है, बूट हो गया। ये क्या हो गया भे? बंद करो। सो मेरी तीनों चैनल में मेमोरी लग गई है, जैसे आप देख सकते हैं। ये मेरी D50 हो गई, ये मैंने लगाई है सेकंड स्लॉट में। बाकी XPG पुरानी वाली है, ये XPG नई वाली है, ये मैंने लगाई है थर्ड फोर्थ स्लॉट में। फर्स्ट स्लॉट में काम नहीं करी थी। सो आप 3 टर्न मेमोरी भी चला सकते हो। और एक बार मैं PC के स्पेक चेक करता हूँ कि 24 GB हुई कि नहीं हुई। सो मैंने रैम तीनों लगा दिया, डिस्प्ले नहीं आ रही है पता नहीं क्यों। ये मदरबोर्ड का जो ऑन बोर्ड HDMI पोर्ट ये दिक्कत कर रहा है। सो ग्राफिक कार्ड ला के चेक करता हूँ मैं एक बार। सो मैंने ग्राफिक कार्ड लगा दिया क्योंकि इसमें मतलब ऑन बोर्ड HDMI से डिस्प्ले नहीं आ रही। सो PC ऑन करते हैं। मैंने पीछे से एक बार देख लो ऑन किया है कि नहीं। वाह, भूल ही गया था। वेल आई एम ओनली ह्यूमन। इसकी RGB चल गई है, ये बहुत नौटंकी करता है CPU कूलर। और डिस्प्ले आ गई है अपन लोगों की। क्या है ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट देन बूट। एक सेकंड फ्लैश ऑन कर लूं। मेरे कैमरे का लेंस पता नहीं खराब ही रहता है हर टाइम। तो इसमें लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट कर देता हूँ जो फर्स्ट ऑप्शन है। PC हम लोग का ऑन हो चुका है। वेल ये कुछ इस तरह का लग रहा है फिलहाल। तो इसका सिनेमैटिक मैं डालूंगा, टेंशन मत लो। PC हम लोग का ऑन हो जाएगा। पिन जहाँ तक ना चेंज करनी पड़ा, पिन डालता हूँ फिर चेक करता हूँ। PC ऑन हो गया। फ्लैश लाइट बंद करो यार, ज़्यादा लेट हो गई थोड़ी। अब ठीक है, एक सेकंड। PC चल गया। इसका कैमरा ही पता नहीं हमेशा गंदा ही रहता है पता नहीं क्यों। सो सेटिंग्स पर जाते हैं। सेटिंग्स इसमें कहाँ गया, अबाउट। और ये 24 GB रैम आ गई है भाई, काहे नहीं दिखा रहा है।